हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल मैं गाइजमल जोशी और आज का मावल कॉन्टेस्ट चैंपियंस का वीडियो करने जा रहा हूं गाइस रिगार्डिंग टीयर लिस्ट जो मैंने बनाई है एक अटैकर्स की बनाई है और एक डिफेंडर्स की बनाई है uh, तो आज का वीडियो होगा रिगार्डिंग द ऑफ चैंपियंस एक uh, शुरू में मैं बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो एक्सपीरियंस में मैंने देखे हैं कौन से चैंपियन अच्छे हैं अटैकर और कौन से चैंपियन अच्छे हैं डिफेंडर मैं अपने हिसाब से गाइज uh, वो लिस्ट बना रहा हूँ बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल दैट हु से से दैट हैव प्लेड हर टेस्टेड हर देर आर समियन एंड इज़ नॉट ए प्लस प्रॉबीबिलिटी हर है and then there will be people who will say that uh, Magneto White or let's say Jubilee is a better player. But for me, it's not the case. Jitna bhi maine khela aur sikha aur dekha bhi hai jo online baakiyon ko khelte hue let's say Legacy ko ya fir सीटन को या किसी भी बड़े youtuber को जिसको मैंने देखा खेलते हुए उसके हिसाब से मैं आज का video बना रहा हूँ guys so uh, let's just see बिना रिकॉर्ड हो रहा है येस इट इज़ हैपनिंग, सो आई जस्ट वांटेड टू मेक यू रन थ्रू द बेस्ट अटैकर लिस्ट बाय क्लास और बेस्ट डिफेंडर्स बाय क्लास और आपको कौन से क्या रैंकअप करने चाहिए तो मेरे अनुसार ये जो पहले चार कॉलम हैं या तीन कॉलम अगर आपके पास ये इनमें से कोई भी चैम्प मिलता है आपको यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अप इनमें अगर आपको मिलता है तो प्लीज़ आप चेक कर ली चेक करना पड़ेगा आपको डिफेंडर्स की लिस्ट में इफ़ दे डिज़र्व अ रैंक अप और नॉट कुछ कुछ तो एकदम फेलियर्स हैं जिनका मैंने नाम यहाँ पे डाला है ई टीयर डी टीयर डू नॉट डिजर्व टू बी रैंक अप इवन सी टीयर आई माइट से लाइक चैम्पियन लाइक हॉक आई डिजर्व इट विजन ऑल्सो डिजर्व इट बुलवरीन डिजर्व अप तो मे बी यू कैन यू कैन गो फॉर दिस टीयर ई लॉर्ड ऑफ पीपल काफ़ी लोगों को रोक बहुत अच्छी लगती है बिशप बहुत अच्छा लगता है और उसका डैमेज अच्छा होता है अगर आपको खेलना आता हो उनसे बट तभी मैंने uh, कुछ कुछ चैम्पियंस टीयर डी में डाले हैं जो मेरे हिसाब से इतने अच्छे नहीं है गए बाकी आपके हिसाब से हो सकते हैं लाइक डोरमामो इज़ अ गुड पावर कंट्रोल चैम्पियन अगर आपको पहला फाइव या सिक्स स्टार मिल रहा है फर्स्ट सिक्स स्टार इज़ अ डोरमामो आई थिंक यू कैन यूज़ हिम एंड यू विल स्वेयर बाय हिम आप बोलोगे कि ये अच्छा चैम्पियन है क्योंकि वो पावर कंट्रोल बहुत सही करता है बट फॉर मी ओवरऑल इफेक्टिवनेस लाइफ स्टिल फ्राम ए प्लस टीयर टिलीव तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डिस्कस दिस टीयर लिस्ट इसमें एक मैंने की भी बनाई है गाइज uh, जिसमें एच uh, लिखा है वो बंदा बेसिकली हाइट डैमेज चैम्प है पी लिखा है वो पावर कंट्रोल करता है आई लिखा है इम्यूनिटीज करता है आर लिखा है तो रीजन चैम्प है और यू लिखा है मतलब यूटिलिटी है कुछ खास उस चैंपियन में सो गए सोन और डिस्कस द टॉप थ्री टीयर्स एटलीस्ट और हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा चैम्पियन क्यों इतना अच्छा है सो so, बेसिकली uh, जैसे आप देखेंगे कलॉसिस ये हाई डैमेज चैम्पियन है एच और आई है इम्यूनिटीज है उसमें वो इंसिनरेट इम्यून है ही इज़ कोल्ड स्नैप इम्यून and he's obviously bleed immune coffee immunities and it works really well for a lot of content obviously not it's not against uh, tech champions but against baki or Kisi class k champions here against he works really well my main account may rank 5a baby account may rank 4 is so good i really 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 like him and uh, सिमिलरली सेकेंड चैम्पियन गाइज इस लिस्ट में आता है रेड मैगनीटो आई थिंक आई वॉज कन्फ्यूज कि रेड मैगनीटो को मैं नंबर वन पोजिशन दूँ या कलासिस को बट कलॉसिस ओवरऑल वी कैन डिस्ट्राई एनी वन मैगनीटो रेड कैन डिस्ट्रॉय ऑल मेडल चैम्पियंस मैगनीटो रेड का एक और डाउन साइड यह है कि आप उसको वॉर में अटैकर यूज़ करोगे अगर और अगर कहीं लिम्बर नोड में फंसोगे जहाँ पे स्टन का ड्यूरेशन कम हो जाता है और यू रीच द बॉस जहाँ उसका इम्यूनिटी होती है तो उसके प्रोवेस करना कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है सो दैट्स वाई ही लूजेज़ दैट एज ओवर कलॉसिस एंड कलासिस इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिक चम्पियन आफ दिस गेम ऑल दो को भी ये डिसएडवान्टेज है जो रेड मैगनीटो को है बट ओवरऑल आई थिंक क्रोसीस बेटर uh, फिर आता है स्ट्राइफ जो मेरे को आज तक मिला नहीं है बट uh, मैंने काफ़ी लोगों के वीडियोज़ देखे हैं सीटन के इलाके से जिन्होंने अब इस uh, पूरा स्ट्राइफ के साथ निपटाया और बहुत स्ट्रॉग चैम्पियन है अगर आपको मिलता है यू शुड डेफिनेटली रैंकिंग माफ बट ध्यान रखना पड़ेगा इसकी सनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है अपोकलिप्स और आई थिंक प्रोफेसर एक्स के साथ एंड वाइट मैगनीटो आल्सो सो सिनर्जी बहुत है म्यूटेंट्स में अगर आप देखोगे कलॉसिस है मैगनीटो है एंड ओमेगा रेड जो लास्ट में मैंने यहाँ डाला हुआ है इन तीनों की बहुत यूनिक सिनर्जी है कलॉसिस और ओमेगा रेड जब साथ होते हैं तो कलॉसिस गेट्स दो परसेंट और डैमेज मिलता है उसे हर आमर अप बफ का सो गैस दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सिनर्जीज भी पता होनी चाहिए Uh, उन सब के लिए आई थिंक मेरे को एक और ही वीडियो करना पड़ेगा आई जस्ट टॉक अबाउट द टॉप सिनर्जीज बाय रेफरेंसिंग सम वेबसाइट कोई वेबसाइट में जाऊंगा मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा कि कौन सी सिनर्जी बेस्ट होगी पर वो दैट इज़ फॉर अ लेटर वीडियो गाइज सो लेट्स कंटिन्यू विदच एजल इज टोटल एम बी पी हैवी हेटर बहुत ही ब्लीड पॉइजन न्यूरो देता है एज लॉन्ग एज द चैंपियन डिफेंडर इज नॉट पॉइजन इम्यून आर्च एंजल विल डिस्ट्रॉय है मैंने पूरा वेरियंट सेवन इसके पहला चैप्टर आर्च एंजल के साथ ही किया था नेक्स्ट इज सॉट गाइज बहुत हाई डैमेज चैम्पियन है इम्यून टू इनरेट एंड कोल्ड स्नैप बहुत स्ट्रॉन्ग है uh, उसका स्पेशल टू इज द बॉम्ब इतना ही ज़ोर से पड़ता है वो कि आई थिंक चीट कोड लगता है ही इज़ बेसिकली अ चीट कोड अगर आप एक दो स्पेशल वन पहले मारेंगे और बहुत हाई हेल्थ डैमेज वाले बंदे को मार रहे हैं तो उसका स्पेशल टू कैन डू अ मैसिव मैसिव डैमेज नेक्स्ट गाइस डोमिनो जो है हाई डैमेज चैम्प और ये कभी कभी अपने लकी में ब्लीड भी इग्नोर कर देती है एंड शी कैन श्रग ऑफ ब्लीड तो शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड उसका थ्रिटिकल ब्लेड लगते हैं जब सो शी कैन डिस्ट्रॉय कॉन्टेंट सिंगल हैंडली शी इज़ सो गुड इसको एस एज सच कोई सिनर्जीज की ज़रूरत नहीं है बट अगर आपके पास रेड हल्क और मसाखरे की सिनर्जी uh, है तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है बस पैरी हैवी पैरी हैवी एंड यू कैन डिस्ट्रॉय लेंस नेक्स्ट है इज ओमेगा रेड जो है हार्ड हिटर उसके पास इम्यूनिटीज़ है पॉइजन की ब्लेड से वो वो जीता है वो ब्लेड पे अगर उस पर ब्लेड लगे तो रिजन भी करेगा अगर आपने विल पावर मास्टरी ऑन कर रखी है सो आई मीन ही इज अमेजिंग इसके स्पेशल वन से अगर आपने काफ़ी स्पोर्ट्स लगाए हुए हैं डिफेंडर पे ही कैन रीजनरेट लॉट और स्पेशल थ्री में भी बहुत रीजनरेट करता है गायज कंसिडरिंग आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स लगाए हुए हैं तो जितना आप डिफेंडर के पास रहोगे उतना बढ़िया डैमेज देगा कुछ कुछ चैम्पियंस का गाइज एक और बाद में एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ड्यूप नेसेसरी होता है लाइक उमेगा रेड क्योंकि ड्यूप और हाई सेग ओमेगा रेड हो गया एक फॉर एग्ज़ाम्पल कलास हो गया सेकेंड uh, ये बेनिफिट करते हैं गाइज uh, पर मैं अभी वे वी अकाउंट में कलास को विदाउट uh, अवेक् चला रहा हूँ बट आई कैन सी इट इन द फ्यूचर कभी कभी मेरे को फ्यूचर में अगर ड्यूप मिल गया तो आई विल स्टिल रैंक दीज गाइज आप ओवर लेट से डेडपूल रेड डेडपूल को मैं कभी जिंदगी में रैंक अपना करूँ मिस्टर सिनेस्टर मे बी यस फॉर डिफेंस पर्पजेज बट नॉट बेस्ड एटलीस्ट सो क्या सो टी आर ए हमने थैंकफुली डिस्कस कर लिया है म्यूट्स का ऑनरेबल मैंशंस हैं टी आर ए वाले चैम्पियंस जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं हैव अ टू डिस्ट्रॉयज अ लॉर्ड ऑफ कंटेंट उसका स्पेशल थ्री इज रियली रियली गुड हाई डैमेज नेमो और इज एक्सेप्शनल सेवर टूथ का डैमेज बहुत अच्छा है वोवेरीन डैमेज भी देता है और रीजनरेट भी करता है आइसमैन uh, 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 की वेट काउंटर है इम्यूनिटी है ब्लीड पॉइजन और इंसिनरेट की स्टॉम एक्स है जो बहुत ही अच्छी यूटिलिटी चैम्पियन है गाइस शीडर्स डील विद द चैंपियंस लाइक कॉर ड्यूप कॉर को भी बहुत आराम से हरा देती है इसका स्पेशल टू भी बहुत धास् हुआ है नॉट एज गुड एज लेट्सॉट बट इट्स अमेजिंग प्रोफेसर एक्स अपॉक्लिप्स मैंने इनको एट ईयर में डाला है बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मैंने इतना खेला नहीं इनके साथ तो इन फैक्ट वेपन एक्स के साथ भी नहीं खेला मैंने बट इन दोनों को सिनर्जी पर्पजेस के लिए दीज आर लाइक गॉड्स Uh, और ये सब को हेल्प करते हैं लाइक चैंपियंस लाइक केबल आल्सो तभी मैंने केबल यहाँ डाला हुआ है बिकॉज केबल रियली रियली बेनिफिट्स हुए द uh, सिनर्जी uh, really, really uh, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे बहुत वीडियोस हैं ऑनलाइन uh, काफ़ी लोगों ने किए हुए हैं आई थिंक सीटन ने सबसे पहली बार बनाया था इज रियली डेंजरस बी टीयर में ज़्यादा नहीं घुसेंगे गाइज ए टीयर ही डिस्कस करते हैं ए प्लस और ए नेक्स्ट क्लास गाइज आती है मिस्टिक uh, uh, की जिसमें मैंने तीन मेन ए प्लस चैम्पियंस डाले हैं जो हैं डॉक्टर डूम सुप्रीम एंड लॉन्ग शॉट अब मैंने ये क्यों डाले हैं मैं आपको इसका लॉजिक भी देता हूँ डॉक्टर डूम इज़ बेसिकली वन ऑफ द बेस्ट पावर कंट्रोल चैम्पियंस इन द गेम उसका स्पेशल uh, थ्री में जो फ्यूरी uh, मिलता है वो आप अगर स्किल डेवलप कर करने कि स्पेशल थ्री चेन करने वाली तो उसकी फ्यूरी बढ़ती रहती है और उसके बाद जब स्पेशल टू जूसी वाला मारते हो तो बहुत डैमेज आता है या फिर स्पेशल थ्री ही मारो तो बहुत काफ़ी ज़्यादा डैमेज आएगा गाइज नेक्स्ट चैंपियन है गाइज सिम्बियोच्रीम इसके लिए आपको डीप वूम्स की मास्टरी चाहिए होती है और ये स्पेशल थ्री के बाद बहुत तगड़ा ब्लीड डैमेज देता है ही इज इज़ अ फैंटेस्टिकस्टिक चैम्पियन बॉयज नेक्स्ट चैम गायज ऑन द लिस्ट है लॉन्ग शॉट लॉन्ग शॉट कैन डू मैसिव डैमेज फॉर चैम्पियंस जिनके पास बहुत बफ्स हैं तो कॉजमिक्स को ये बहुत बुरी तरह पिघला देता है और जो चैम्पियन इंसिनरेड इम्यून नहीं है उनको खा जाता है सिंगल हैंडेडली लेट्स टॉक अबाउट द ऑनरेबल मैं गाइज ए टीयर जो बहुत ही अच्छी टीयर है इसमें मैंने डाला है मैजिक Uh, जो है हार्ड हिटर बहुत अच्छे क्रिटिकल मारती है और स्पेशल टू में पावर लॉक कर कर देती है तो बस आप कोने में रखो डिफेंडर को स्पेशल टू रिंस एंड रिपीट रिंस एंड रिपीट एंड डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिशन uh, बहुत लोग इसको आर फाइव करते हैं और इन दोनों टीयर लिस्ट में आर फाइव करने से पहले आप झिझकना मत बिल्कुल भी नेक्स्ट चैम्प uh, है इज ब्लैक विडो क्लियर पॉइंट इसको मैंने ए टीयर में डाला है क्योंकि मैं इसको बेबी अकाउंट में खेल रहा हूँ मुझे मेन अकाउंट में मिली नहीं मेरे को कभी कभी लगता है इसका थोड़ा डैमेज काफ़ी वीक है तो उसको मैंने हाई डैमेज चैम्प भी नहीं लिखा हुआ इसके पास है इम्यूनिटीज टू ब्लेड पॉइजन इंसनरेट वन एट अ टाइम इसको या तो ब्लेड की पॉइजन एक uh, इम्यूनिटी मिल जाएगी पॉइजन की इम्यूनिटी मिल सकती है इंसिनरेट की सो शी इज़ वेरी गुड दैर सेकेंडली वो रीजन भी करती है अपने ब्लीज स्टांस में जब स्पेशल टू मारते हैं वो बहुत धाँस रीजन uh, करती है आपने मेरी वीडियोज़ देखी है सुप्रीम इज ऑल्सो वेरी गुड पावर कंट्रोल चैम्प है रीजन है बट नॉट द बेस्ट पावर कंट्रोल बट स्टिल अ वेरी वेरी सॉलिड चैम्प टू आर फाइव स्कॉल विच आई थिंक फाइव स्टार में अभी आई है बट फोर स्टार में भी शी यूज़ टू बी वेरी स्ट्रोंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्टिल शी इज वेरी स्ट्रोंग और ये एट अपनी मर्जी से पावर एकदम खाली कर देती है डिफेंडर्स का गाइज इसमें भी मैं आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस टीयर बी लिस्ट बट दीज आर रियली गुड चैम्प हू डिजर्व रैंक फोर एट लीस्ट इन माई ओपिनियन अगर आपके पास कोई भी इन दोनों में नहीं है सो बेसिकली दिस गाइज कैन डू अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट फॉर यू एंड विल डू अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट फॉर यू सो बी एश्योर्ड कि अगर आप एस इनमें से कोई चैंपियन करोगे तो दे कैन हेल्प यू डू अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट फॉर यू और काफ़ी जल्दी प्रोग्रेस करोगे आप अगर इनमें से कोई चैंपियन आपको मिला हुआ है गाइज नेक्स्ट आती है गाइज हमारी लिस्ट फॉर स्किल जिसमें सबसे पहले मैंने डाला है एगोन को क्रॉस uh, बोन्स को भी मैंने ए uh, प्लस में डाला है बिकॉज हैव सीन सर्टेन वीडियोस ऑनलाइन जिसमें कि एगोन इज डिस्ट्रॉइंग अबेस देर आर पीपल जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं क्रॉस बोन्स uh, के साथ अबेस uh, के लिए सो आई थिंक ही डिज़र्व दिस पोजिशन वेरी वेल डिजर्व गाइज सो वो तो है ही गैज uh, नेक्स्ट uh, है uh, हमारे ईगोन uh, की बात करना भूल गया बहुत ही बहुत ही हार्ड हिटर है अगर उसका कॉम्बो सौ दो सौ से ऊपर ले गए आप यूटिलिटी है ही श्रग्स ऑफ एनी एनी डैमेजिंग इफेक्ट डैमेजिंग इफेक्ट का आर्मर ब्रेक टाइप हटा देता है वीकनेस हटा देता है अपने ऊपर से शक ऑफ कर देता है गाइज सो इज़ वेरी वेरी फैंटेस्टिक आपने मेरा बेस्ट रेंड देखा होगा तो मैंने एगोनी यूज़ किया और यूनिट्स यूज़ किए थे या सो दैट्स इट नेक्स्ट है गाइज चैम्पियन स्टियर लिस्ट में फैल्पन जो बहुत खतरनाक चैम्पियन है बहुत uh, ज़्यादा कंट्रोल कर देता है डिफेंसिव एबिलिटी एक्रेसी बहुत चैंपियंस की मतलब बहुत क्या सभी चैंपियंस की जो डिफेंडर अनोइंग होते हैं वॉर के लिए सो इज़ अ वॉर एम क्योंकि ये इवेड काउंटर है ये अनस्टॉपेबल काउंटर है ये हर चीज़ का काउंटर है ये हर चीज़ का इलाज है फैल्कन के पास गाइज नेक्स्ट चैम्प ऑन द स्किल टीयर गायज निक फ्यूरी निक फ्यूरी इज सो गुड कि मैं क्या बताऊँ इवेड काउंटर तो है ही वो पर जो ब्लीड डैमेज देता है और अपने सेकेंड लाइफ में आकर ब्लीड डैमेज देता है और विदाउट द ब्लीड डैमेज ऑल्सो जो क्रिट मारता है इट्स अनबिलीवेबल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है सो आई मीन विदाउट बैक और राइट गाइज सो लेट्स गेट बैक टू द लिस्ट मेथानिक फ्यूरी पे मैं निक फ्यूरी की काफ़ी बात कर चुका था दैट ही इज़ अ वेरी वेरी फैंटेस्टिक और ही ऑब्वियसली डिजर्व द रैंक फाइव गाइज इन केस यू आर लुकिंग फॉर वेरी वेरी स्किल्ड स्किल चैम्पियन अपनी टीम के लिए अगर आपके पास ये है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट देन टीयर ए में जो मैंने रखे हैं गायज स्पाइडर मैन स्टेल्थ है ब्लेड है हिट मंकी किंग मोल मैन ब्लैक वडो मूवी ब्लैक वडो मूवी आपको पता ही है डेडली औरिजन कर देते हैं ऐसे uh, सबको पता है अब इसके बारे में दट श्री इज़ अ फैंटेस्टिक चैम्पियस आपने इसका बहुत गेम प्ले देखा है किंग पिन और मोल मैन आफ्टर देर बफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं दे रियली टोटली टोटली डिजर्व अ रैंक फाइव हेट मंगकी अगैन इज अ फैंटास्टिक चैम्पियन बहुत हार्ड हिटर है श्रग ऑफ भी करता है बफ्स दी बफ्स एंड या थ्री हेड कॉम्बो रखोगे तो सारे क्रिटिकल हिट्स हैं इसके और बहुत हाई डैमेज चैम्पियन है गाइज़ ब्लेड का आई हैव ऑलरेडी डन अ मैसेव विडियो ऑन ब्लेड वेयर जहाँ पे मैं बात करता हूँ कि रीजनरेशन uh, भी है इसमें यूटिलिटी भी है काफ़ी हद तक ये मिस्टिक चैम्पियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है अगर इसकी आप टर्निटी मास्टर यूज़ कर रहे हो गाइज विच इज़ विद आपका स्टाफ इनहम स्पाइडरमैन एंड कोस्ट राइडर उनके साथ यूज़ करोगे तो और काफिल है ये स्पाइडरमैन स्टेल सूट या फिर नाइट मंकी है जो बहुत ही हार्ड लिटर चैम्पियन है यूटिलिटी भी है इन टर्म्स कि आप इसको यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट इवेट काउंटर्स एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो अगेंस्ट अनस्टॉपेबल काउंटर्स लाइक देर आर अ फ्यू अदर ऑप्शन ऑल्सो साइंस में बट इसका डैमेज बहुत हाई आता है दो कॉम्बो आप लाइट से ख़त्म करो एंड देन यू कैन जस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द इंटायर इंटायर फाइट विद स्पाइन स्टेल्थ अब चलते हैं गाइस टीयर बी में जिसमें मैंने तीन चार डाले हैं बंदे विच आर वेरी गुड एंड दे डिज़र्व अ रैंक फोर एट लीस्ट इफ़ नॉट अ रैंक फाइव सो अगेन टू री मैं यही बोलूँगा कि ये Uh, पहले दो कॉलम हैं इनमें अगर आपके पास कोई चैंपियन है सो यू कैन इंश्योर मैं कह रहा था uh, मेरा रिकॉर्डिंग uh, में एरर आ गया था तो कुछ पंगे हो गए थे uh, और उसके बाद का जो भी रिकॉर्डिंग था सारा डिलीट हो गया तो मेरे को ये वीडियो फिर से करना पड़ा गाइज रियली सॉरी फॉर फॉरदर इंटरप्शन तो मैंने यहाँ पे गाइज लिख दिया है रैंक फाइव वर रैंक फाइव वर एंड रैंक फोर वर सो आई वाज सेइंग अगर आप इन दो कॉलम में आपके पास कोई भी चैम्पियंस हैं गाइज़ सो यू कैन डेफिनेटली रैंक दम अप। एंड इसमें भी आपके पास कम से कम तो uh, <coughs> साठ चैम्पियंस होंगे जो आपके रोस्टर में कोई ना कोई फिट करेगा ही गाइज एंड आई विल कॉल आउट अगर ऐसा कोई चैम्पियन होगा जो मुश्किल है खेलने के लिए बट आई रेई डोंट थिंक कि इनमें कोई uh, ज़्यादा मुश्किल होगा गाइज़ चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गोइंग टू द कॉजमिक टीयर एंड वी हैव टू मोर क्लासेस टू टॉक अबाउट कॉजमिक टेक एंड साइंस तो कॉजमिक क्लास के बारे में मैं क्या ही बोलूँ बहुत ही स्ट्रॉग चैम्पियंस है इस क्लास में गाइज सबसे पहले मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो है कॉरवस ग्लेव एंड हाईपीरियन मैंने इन दोनों को अपने मेन अकाउंट में आर फाइव किया हुआ है और मे मेरी फेवरेट है कैप्टन मावल मूवी जो बहुत ही बहुत हेल्पफुल रहे हैं मेरे अकाउंट के लिए गाइज़ ये तो मेरे पास सिक्स स्टार रैंक टू में भी है आ, जैसे कि आप देख रहे हैं इन तीनों में कुछ ना कुछ इम्यूनिटी है कैप्टन मार्बल पॉइजन इम्यून है हाईपीरन पॉइजन इम्यून है गोस्ट राइडर ब्लीड औरड इम्यून है कोवस ग्लेव कोल्ड स्नैप ब्लीड शॉक इम्यून है जब तक उसके चार्जेस फुल रहते हैं एंड या सो एंड वो रीजनरेट भी करेगा अगर आपकी मास्टरी में विल पावर एक्टिव है गाइज सो नॉट ओनली इनका डैमेज बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके साथ अगर आप कॉस्मिक बूस्ट भी लगाओगे इनका मोस्टली सभी क्रिएट करते हैं एट वेल और स्पेशल uh, टू ही स्पैम आप करते रहो करते रहो हाइपेरियन और कैप्टन मार्बल अपने स्पेशल टू पे स्टन देते हैं देर इज़ अ चांस कैप्टन मार्बल हंड्रेड परसेंट है आई का कुछ चांस है फिफ्टी सिक्सटी परसेंट बट मोर ऑफन देन नॉट अगर एबिलिटी uh, वाला पॉजिटिव नोड है आपके पास कोई सो यू विल गेट अ स्टन एंड यू कैन चेन लॉक कर सकते हो आप स्टन और फिर फाइव एड कॉम्बो और स्पेशल वन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हो आप डिफेंडर्स uh, को इन चार चैम्पियंस के साथ कॉजमे घोस्ट राइडर पर्सनली मेरे पास नहीं है नॉट इवन एज अ फोर स्टार कि मैं इस पर कुछ भी गेम प्ले कर पाऊँ बट जैसे ही मिलेगा आई प्रॉमिस गाइज मैं इस पर करूँगा और मैंने आ, एक आ, वीडियो और मैंने सोचा हुआ है कि मैं टीयर ए प्लस और टीयर ए के सारे चैम्पियंस पे एक वीडियो करूँ प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताना इफ़ यू वुड लाइक टू सी समथिंग लाइक दैट अगर आपको देखना है हाउ टू यूज़ दीज चैम्पियंस जो जो मेरे पास होंगे मैं उनको कवर करने की कोशिश करूँगा गाइज़ या uh, yeah. सो आई थिंक मैंने इनके बारे में बहुत बोल लिया टीय ए टीयर वाले जो चैम्प्स हैं वो भी रैंक फाइव दी हैं गाइज़ उनमें आती है मेड्यूसा जो पॉइजन इम्यून है ऑटो ब्लॉक होता है उसमें डिफेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज ये और यूटिलिटी uh, uh, एक और है इसकी कि रोबोट्स को शट डाउन कर देती है आमो शैटर के साथ गाइज़ तो आमो शैटर इसका आता है स्पेशल वन में Uh, पहले आप थ्री हिट कॉम्बो करो मीडियम लाइट मीडियम एंड देन अ स्पेशल वन आर्म शैटर्ड एंड रोबोट्स आर डेड रोबोट कुछ भी नहीं कर पाते मेरी फोर स्टार में थी ये चैम्प तब कोई भी कॉर्वस ग्लेव नहीं होता था उस ज़माने में हाइपीरियन होता था कैप्टन मावल नहीं होती थी मूवी तो हाइपीरियन होता था पर मेरे को कभी फोर स्टार में भी नहीं मिला था एंड आई हैड ओनली मेड्यूसा तो मेड्यूसा से मैंने बहुत कॉन्टेंट किया गाइज एक पॉइंट में मेरी वॉर की ये वेटरन होती थी आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर को हराती थी उस टाइम पे आयरन मैन को हराना बहुत मुश्किल था विदाउट कॉर्वस ग्लेव और कॉज्मी गोस्ट राइडर सो आप सोच सकते हो किस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं फिर वैनम डाला हुआ है हु इज़ अ बीस्ट ही इज़ इम्यून टू कोई भी वॉरलॉक टाइप चैंपियन विजन टाइम चैंपियन तो पावर ट्रेन इम्यून है गलेटीन से इम्यून है ये गिलेटीन स्पेशल वन में गिलीड इन स्पेशल वन में अपना देती है uh, क्या बोलते हैं पावर ड्रेन पर ही इज इम्यून ब्लीड डैमेज बहुत देता है आर्मर ब्रेक बहुत देता है विलन है विलन अरीना रीना में वेरियंट uh, में बहुत काम आएगा गाइज सो ही इज़ अ फैंटेस्टिक चैंपियन डेफिनेटली डिजर्व अ रैंक फाइव स्पाइडरवर्स के हर चैंपियन को डिस्ट्रॉय कर देता है सारे स्पाइडर मैंस को कोई भी अवेड नहीं कर पाता बॉयज से नेक्स्ट है गाइज एंजला जिसका हेल्थ uh, तो बहुत है ही सॉरी हेल्थ कह रहा हूँ हार्ड हिटर तो जो बहुत है ही और इसकी यूटिलिटीज़ बहुत हैं गाइज़ शी uh, अगर वो अवेकेंड है और हाई सेग लेवल पे है तो वो बहुत जल्दी बफ्स को अपने ऊपर से हटा देती है एंड शी डजेंट टेक एनी ब्लेड पॉइजन एक्सेट्रा डैमेज एट ऑल सो मैंने भी अपने अकाउंट में रैंक बेबी अकाउंट में इसको ड्यूब किया है और सिक्स स्टोन्स भी डाले हैं बट इसका होप कर रहा हूँ कि मैं थोड़े और सिक्स स्टोन डाल पाऊँ फिर आपको थोड़ा कमाल दिखाऊँ इसका एक्ट सिक्स पॉइंट टू में बॉयज़ तो होल्ड ऑन टू दैट वीडियो फ्रॉम मी वैन ऑफ द डार्क मेरे पास था जब मैंने एक अकाउंट ख़रीदा था बहुत सालों पहले अपने भाई मनीष के साथ तो uh, uh, भाई नहीं मेरा uh, बहुत जिगरी दोस्त है उसको भाई बोलता हूँ मैं बहुत सही चैम्पियन है तब मेरे को यूज़ करना नहीं आता था बट Uh, जब मे को अपने मेन अकाउंट में मेन अकाउंट में भी नहीं मिला था जब बेबी अकाउंट में, uh, में को अभी रिसेंटली मिला था रैंक टू स्टार या थ्री स्टार में मैंने इसके साथ बहुत खेला था गाइस uh, अगर आप इसको ढंग से इसके बफ स्टोर करो लाइक uh, फ्यूरी और रीजनरेशन तो इसको कोई हीलिंग पॉट लगाने की जरूरत नहीं है और फ्यूरी अगर आप uh, इसके स्टोर करोगे बफ्स तो इतना डैमेज देगा कि ही कैन बिकम अ ए प्लस बट ही इज़ ए रैम्प अप चैम्प इसको ज़्यादा टाइम लगता है रैम्प अप होने में जितना कॉर्वस ग्लेब को नहीं लगता या मतलब इन तीनों बाकी तीनों को तो लगता ही नहीं है तभी इसका एट ईयर रैंकिंग है वर्ना ही डिजर्वस अलस्ट ईयर फिर आता है गाइज़ कलअपीडियन अगेन रैंक अप चैम्प कोई इम्यूनिटी नहीं है ब्लॉक प्रोफेशन सी भी कम है बस हार्ड हीटर है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है एंड फाइनली आती है गाइज प्रॉक्सीमा मिड नाइट जो है बहुत ही हार्ड हीटर इसके तीन मिशन करने होते हैं इन आ, इंटरसेप्ट वाला जरा सा मुश्किल है अगर आप इंटरसेप्ट करना सीख जाओगे तो इसके तीनों मिशन करके जो स्पेशल थ्री पड़ता है बॉयज़ उसका कोई मुकाबला नहीं है एंड या यूटिलिटी है दो की परसेंट की एबिलिटी एक्यूरेसी रिडक्शन करती है डिफेंस की तो आ, अगर कोई ऐसा नोड होता है कि आप पे स्टन लगना हो तो प्रॉक्सिम मिड नाइट स्टन नहीं होती गाइज वो उसको अवॉइड एवो, कर देती है एंड डैमेज तो बहुत सही है ही इसका इम्यूनिटीज नहीं है बट हु केयर्स स्पेशली शी वर्क्स रियली वेल अगेंस्ट चैम्पियंस लाइक हैवॉक जो एनर्जी डैमेज देता है अपने पहले हिट में उसको पैरी कर देती है आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर को पैरी कर देती है कॉर्क को पैरी कर देती है और भी और भी बहुत अनोइंग चैम्पियंस हैं जो पैरी वैरी नहीं होते उन सब को कर देती है आई थिंक डोमिनो को भी अबाउट एट्टी नाइन्टी परसेंट टाइम्स पैरी कर देती है पहले कॉन्टैक्ट में गायज जो और कोई रेगुलर चैम्प नहीं कर पाता ऑनरेबल मैंशंस गाइज रैंक फोर वर्दी चैम्पियंस हैं टेर एक्स बहुत अच्छा आर्मर ब्रेक देता है और डैमेज देता है अपना देन uh, uh, विजन आकस है अगेन वेरी गुड अगेंस्ट रोबोट रोबोट चैम्पियंस को आर्मर शैटर करके पावर लॉक कर देता है सिल्वर सफ़र मैंने खेला नहीं पर्सनली सो so मैं इतना बोल नहीं पाऊँगा कि कैसा चैम्पियन है पर अच्छा है मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं इसकी और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कभी मिलेगा तो प्रेस्टीज चैंप है मैं रैंक फाइव भी करूँगा करूँगा ही आ, क्योंकि वो प्रेस्टीज के काम आएगा गैज आप भी रैंक फाइव कर सकते हो अगर आप प्रेस्टीज के लिए लड़ रहे हो बाकी अलायसेज के साथ गैज़ कार्नेज अच्छा चैम्पियन है हाई डैमेज है ब्लीड बहुत करता है यूटिलिटी है कि पावर गेन बहुत करता है हेला तो इज़ वेरी गुड विद ओडेंस एनर्जी पर ओडेंस एनर्जी के साथ ये आपको खेलना आना पड़ेगा ऐसे कि हैवी इंटरसेप्ट करना आना चाहिए गमोरा मेरी फेवरेट एप्स लूट फेवरेट मैंने बेबी अकाउंट में इसके साथ आई थिंक टू स्टार मैक्सड आउट के साथ एक्ट थ्री का बॉस भी मैंने गमोरा के साथ मारा था इस अगर आपको यकीन नहीं होता जाके मेरे वीडियोज़ में नीचे जाके मेरे चैनल में देखो आ, मैंने गमोरा से टेकडाउन किया था और बहुत ही अच्छा स्किलफुल फाइट है मजा आएगा आपको ओके गाइज लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लास जो है टेक uh, जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता बट क्या करूँ मैं जब भावनाओं में आता हूँ बोलने लग जाता हूँ स्पेशली अगर विस्की चल रही होती है तो ज़्यादा बोलता हूँ तो <laughs> और जब पता होता है कि ये सब आप पहले ही बोल चुके हो और आपको फिर से बोलना है तो थोड़ा और टाइट हो जाता है मामला क्योंकि मेरा वीडियो का रिकॉर्डिंग सारा उड़ गया और जो थैंकफुली शुरू का बच्चा था वो मैंने सेव कर लिया बट इन तीनों क्लास का मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया था चलो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और बात करते हैं अब टेक के बारे में टेक में गाइज आते हैं बहुत धासु चैंपियंस गैस सबसे पहले घोस्ट आती है जो आ, अगर आपके ऊपर डीबफ लगता है उसको कन्वर्ट कर देती है फ्यूरी में जैसे ही आप डैश पैक करके फेस करते हो और वो फ्यूरी इतनी स्ट्रांग होती है गैस की डैमेज इज़ एक्सपोनेंशियल ये भी आपके आ, क्या बोलते हैं टेक वाले बूस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है एंड यू कैन जस्ट बैक टू बैक गिव स्पेशल स्पेशल थ्री टूज़ अगर आपने मेरा एक्ट सो so अगर आपने सेवन पॉइंट का वीडियो देखा है मेरा जो मैंने एक्ट सेवन कम्पटिशन का वीडियो डाला था मेन अकाउंट का तो उसमें आप देखेंगे कि घोष को मैंने बहुत एफिशेंटली यूज़ किया है और वो बहुत ज़्यादा एक्सेसि डैमेज दे दी थी गाइज या yeah, so, uh, गोस्ट के बारे में बस एक ही डाउन साइड है उसको सीखना गाइस थोड़ा टाइम लगता है uh, हर किसी को एकदम से समझ नहीं आती कि कैसे खेलना है तो बहुत सारे वीडियोस हैं ऑनलाइन मैं भी सोच रहा हूँ मैं बनाऊँ बट मैं ऑनेस्टली कह नहीं सकता कि मैं वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हूँ गोस्ट का सिमिलरली मैं ऑनेस्टली नहीं कह सकता कि मैं क्वेक का बेस्ट प्लेयर हूँ क्वेक का मैं आई थिंक लाइक टॉप टेन परसेंट में भी नहीं टॉप ट्वेंटी परसेंट में भी नहीं आता हूँ एज अ गुड क्विक प्लेयर और अ गुड घोस्ट प्लेयर प्रॉबेबली मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ सेंटिनल का और गार्डियन का और मे बी कॉरवस ग्लेव का बट डेफिनेटली नॉट घोस्ट और क्विक नेक्स्ट है गाइज स्पाइडर मैन स्टॉक इन्हेंस्ड जो बहुत ही तगड़ा चैम्पियन गाइज मेरे पास अपने मेन अकाउंट में था बेबी सॉरी uh, ध्रुव जोशी में जिसमें मैंने इसको फोर स्टार में मैक्स किया था इसके लिए नौ सौ यूनिट का मैंने अवेकनिंग जैम्प भी लिया था पता नहीं क्यों क्योंकि मेरे को लगा अवेकनिंग से बेटर हो जाते हैं चैंप्स बट मुझे उस टाइम पे पता नहीं था कि अवेकनिंग की ज़रूरत नहीं है ऐसे बहुत ही हाई डैमेज चैम्पियन है अच्छा पावर कंट्रोल है uh, उसके हैवी के साथ पावर uh, ड्रेन कर देता है बहुत एंड ओवरऑल यू विल लव यूज एंग गेम ज़्यादा लर्निंग कर्व नहीं है थोड़ा बहुत ही आपको डेस्क करना आना चाहिए बस नेक्स्ट गाइज़ गाइज हर्क बस्टर जो पर्सनली आजकल मेरा फेवरेट है वेरी सिंपल टू यूज़ ज़ीरो लर्निंग कर्व बस नॉर्मली खेलो स्पेशल वन स्पेशल टू मारो बंदे ख़त्म हो जाते हैं उसके सामने आ, मन तो करता है इसके साथ खेलूँ पर बहुत ही ऐसा लगता है चीज़ गॉड है क्योंकि बहुत आराम से मार देता है गाइज नेक्स्ट है गाइज दो चैम्पियन जो हैं वॉरलॉक और गलेटीन ट्वेंटी नाइन्टी नाइन जो दोनों ही uh, बहुत हार्ड हिटर्स हैं इम्यून हैं uh, ब्लेड और पॉइजन से गलेटिन पावर कंट्रोल है uh, वॉरलॉक भी पावर कंट्रोल है और uh, रिजन कंट्रोल भी है अगर कोई चैम्पियन रीजेनरेट कर रहा है तो वो भी कंट्रोल कर पाता है जो गिलेटीन नहीं कर पाती बट uh, वो वाला फ़ायदा वर्ड में है कि वो रीजन कंट्रोल करता है और गलेटिन में फ़ायदा ये है कि अगर वो हंड्रेड कॉम्बो मीटर से ऊपर है वो एनर्जी डैमेज देती है हर हिट में और अगर आप हर फाइट स्पेशल थ्री में ख़त्म करोगे तो वो अगली फाइट कॉम्बो से शुरू करेगी जहां उसके कॉम्बोज हंड्रेड से ऊपर होंगे तो फ्रॉम द वर्ल्ड गो या फ्रॉम द बिगिनिंग आप एनर्जी डैमेज भी डील करोगे और हर फाइट जल्दी निपटेगी गाइस नेक्स्ट गाइस आता है सेंटिनल जिसका आपने मेरी तरफ से तो बहुत गेम प्ले देखा हुआ है और आशा करता हूँ आपको पसंद आया है गार्डियन का आपने मेरी तरफ़ से देखा है और आपको पता है कि क्या क्या यूटिलिटीज इम्यूनिटीज़ हैं स्टार लॉर्ड का तो अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो मैंने टू स्टार में इसका किया था यूज़ काफ़ी सारा एंड टू स्टार से मैंने काफ़ी एक्ट वन टू थ्री तो निपटाया था स्टार लॉर्ड और गमोरा के साथ वेरी वेरी हार्ड हिटर अगेन कॉम्बो बेस्ड है कि जितना कॉम्बो होगा उतना डैमेज देगा और अगेन इसको भी ड्यूब की ज़रूरत पड़ती है गैस फिर आता है मेरा पर्सनल फेवरेट एट ईयर का डॉक्टर ऑक्टोपस जो बहुत ही हार्ड हीटर है अगेन जो पावर कंट्रोल बहुत अच्छा करता है और अगर अवेकेंड है तो रीजनरेट भी करता है गैस सो पावर कंट्रोल के अगर मेरे को मौका मिले तो मैं अपने मेन अकाउंट से आपको वेरिएंट का वीडियो बना के दिखा दूँगा जहाँ पे ही डज मैसिव पावर कंट्रोल गैस लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ये तीन चार तीन चैंपियन जो मैंने यहाँ डाले हुए हैं रैंक फोर वर्दी वाले हावर द डक अभी बफ आया मैंने अभी दो वीडियो डाले थे उसके ऊपर इम्यूनिटी टू ब्लीड हार्ड हिटर है बट मैं रैंक फाइव नहीं करूँगा आयरन मैन इन्फिनीटी वॉर रैंक फाइव कर सकते हो आप डिफेंस पर्पसेस के लिए मैंने किया हुआ है मेन अकाउंट में पावर कंट्रोल करता है जब आर्मर अप होता है इसका तो ब्लीड इम्यून होता है पावर कंट्रोल कैसे करता है कि जब आप स्पेशल वन देते हो उसके बाद जो भी एनर्जी डैमेज देते हो मीडियम लाइट 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 से तो डिफेंडर पावर गेन नहीं करेगा गाइज एंड या ऑल्टो ब्लॉक की यूटिलिटी भी है इसमें सिविल uh, वॉरियर का भी मैंने वीडियो डाला था बट आई विल पर्सनली नॉट टेक एम हाप इंडो रैंक फोर ऑल्सो बट फ्यूरीज कमाता है सो ही इज़ अ वेरी वेरी गुड चैम्पियन ये हील ब्लॉक भी कर देता है अपने हेवी से और ये पावर ड्रेन कर देता है अपने स्पेशल टू से तो पावर कंट्रोल भी लिख सकते हैं इसमें एच यू पी हो गया ये और राइट गाइज अब आ गया है फाइनल फाइनल क्लास और आई होप कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इज इट रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्ड हो रहा है एंड फाइनल क्लास आ गया है गाइज साइंस का इसमें हम बात करेंगे टॉप फोर चैम्पियंस जो मैंने ए प्लस टीयर में रखे हैं ह्यूमन Torch का आपने मेरी तरफ से वीडियोस देखे हुए हैं बहुत ही हाई डैमेज चैंपियन प्री एबिलिटी भी है जो बहुत खतरनाक है इम्यून टू इंसनरेट कोल्ड स्नैप वेरी गुड नॉट ब्लीड एंड पॉइजन बट उसके अलावा आई थिंक इज वेरी सॉलिड बहुत सॉलिड डैमेज देता है वाइड अगेन वेरी हार्ड हिटर बहुत अच्छी यूटिलिटी है हील रिवर्स करता है uh, अच्छे अच्छे चैंपियंस का बुलबरीन तक का भी रेलम ऑफ लेजेंड्स में मैं इसको यूज़ करूँगा बेबी अकाउंट में मैंने मेन अकाउंट में भी वाइड ही यूज़ किया था और यून है ये गाइस गाय से कैप्टन अमेरिका इन्फिनी वॉर इज़ अ वेरी हार्ड हिटर वेरी वेरी हार्ड हिटर और इसके साथ बस स्पेशल टू दो और बंदे खत्म गैस स्पाइडर हैम मेरे पास है नहीं बट मैंने देखा है और अपने दोस्तों से भी सुना है बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैम्पियन है बहुत ज़्यादा देता है पावर स्टिंग जो बहुत अच्छा डैमेज रिफ्लेक्ट कर देते हैं जब भी डिफेंडर अपना स्पेशल फेक कर थ्रो करता है गैस सो या आई मीन दीज दीज आर माय टॉप पिक्स फॉर साइंस एंड अब कोक में जैसे मैंने आपको घोष्ट के बारे में बोला था कि गोस को लर्निंग कर्व है बट क्विक का और भी ज़्यादा लर्निंग कर्व है क्योंकि बहुत ही मुश्किल जैम्प है गाइज़ ये सीखनी वरना शी इज़ अ प्लस प्लेयर ऑल द वे अगर आप बहुत अच्छे हो उसके साथ खेलने में सो शी डिज़र्वस अ रैंक फाइव आंख बंद करके थिंक डिज़र्व अ रैंक फाइव आंख बंद करके तभी ये फर्स्ट टू कॉलम्स में है गाइज़ रैंक फाइव वर्दी जैम्प में तो क्विक का गेम प्ले इज़ एब्सोल्यूटली डिफरेंट मेरे को खेलने नहीं आती इतने अच्छे तो मैंने और मेरे पास मेन अकाउंट में भी नहीं है बेबी अकाउंट में भी नहीं है सो so मैंने कभी खेला ही नहीं इसके साथ थिंग है मेरे पास आ, बहुत हार्डलेटर है इम्यून टू आर्मर ब्रेक तो अगर कोई आर्मर ब्रेक वाली फाइट आपको परेशान कर दी है तो थिंग को यूज़ कर सकते हो इम्यून टू अगेन आर्मर ब्रेक एंड ब्लीड तो ये ब्लीड इम्यूनिटी में भी काम आता है बहुत देन इमोटल अबॉमिनेशन है इम्यून टू पॉइजन वेरी स्ट्रॉन्ग हिटर स्पेशल टू दो और जो एसिड डैमेज देता है ये इम्पॉसिबल है गाइज रेड हल्क का आप मेरी तरफ से वीडियो देख सक चुके हो बहुत बहुत हाई डैमेज चैम्पियन है इम्यून है पॉइजन और इंसनरेट से और उससे वो अपने क्लेर चार्जेस कलेक्ट करता है और स्पेशल टू में रीजनरेट करता है गाइज शी हल्क मैंने पर्सनली नहीं खेला बट सेम एस को एक बहुत हाई स्किल चाहिए होता है गाइज़ इसको यूज़ करने के लिए बट शी एस रैंक फाइव वर्दी अगर आपने वो वाला स्किल है गाइज़ मुझ में नहीं है टेक्निकली मेरे पास है ये फाइव स्टार में बट uh, मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि मेरे में उतना स्किल है नहीं इसको रैंक फाइव लेके जाने के लिए गाय स्पाइडो गन का भी आप बहुत वीडियोज़ देख चुके हो मेरी तरफ़ से रैंक फोर वर्दी में अब आ गए हैं हम बी टेयर में उसमें लेके जाएंगे नेक्स्ट है लूक केज और रेड गार्डियन रेड गार्डियन से मैंने खेला नहीं लूक केज मेरे मेन अकाउंट में है फाइव स्टार में मेरे को शुरुआत में ही मिला था और मैंने इसको रैंक फोर किया था बहुत सॉलिड डैमेज देता है और रैंक वन सॉरी स्पेशल वन में अपने स्टन देता है सो ही कैन गेट वेरी वेरी गुड गैस वेरी गुड डैमेज स्पाइडर वैन आप सबको मैंने समझा चुका हूँ रेड गार्डियन का स्पेशल टू डैमेज मैंने बहुत सुना है कि बहुत अच्छा है गैस सो या गाइज दैट इज़ अबाउट इट मैं ये वाली वर्कशीट आप लोगों के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा एक दो दिन में सो प्लीज़ वेट फॉर इट और आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम इन चैम्प्स लाइक कॉलम ई टू एच अपना ध्यान बस इन्हीं चैम्प्स uh, में दो जो कम से कम तो कितने हैं आई थिंक एटी सेवन चैम्स हैं इनमें आप अपना कॉन्सनट्रेशन करो एंड यू विल सक्सीड इन द गेम डेफिनेटली गाइज़ ऑल राइट गाइज़ आई विल सी यून द नेक्स्ट वीडियो टिल दैन अ वेरी गुड टाइम एंड प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो कॉमेंट शेयर हिट द बेल आइकॉन एंड आर सी यू सो बाई